महादेव गुरु कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो गुरु स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आप सभी को पता है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुँच चुका हूँ और दिल्ली की चीज़ें आप सभी को दिखाने का मैंने वादा किया था। तो फिलहाल दिल्ली के मैं पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो दिखाने जा रहा हूँ हॉस्टल, क्योंकि अभी मैं हॉस्टल में रुका हूँ तो सोचा कि एक हॉस्टल टूर भी करा देता हूँ। BHU का हॉस्टल टूर तो मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका है, तो सोचा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी हॉस्टल का टूर आपको करा दूं। तो फिलहाल चलिए चल रहा हूँ एक हॉस्टल में, मानसरोवर हॉस्टल, ठीक है, वहाँ चलेंगे। और वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही हॉस्टल है और वहाँ के चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ के हॉस्टल्स में क्या अंतर है और यहाँ के हॉस्टल्स में क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है जो BHU के हॉस्टल से अलग है। यहाँ की बिल्डिंगें कैसी है, बेड कैसा है, वो सारा चीज़ें आपको दिखाएंगे। बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल देखिए आप हमारे पीछे देखिएगा तो यही है जो है मानसरोवर हॉस्टल, और इसके अंदर चलते हैं और आपको चीज़ें दिखाते हैं। जैसे इसके अंदर आप जाएगा ये चीज़ बहुत अच्छा है कि यहाँ पर देखिए आपको कैंटीन वगैरह का सुविधा मिल जाएगा, यानी यहाँ पे हर जगह कैंटीन है। जो भी आलू चाप, आलू समोसा, पापड़ जो आप खाना चाहेंगे, लस्सी पीना चाहेंगे, सब पी सकते हैं यहाँ पर। मानसरोवर हॉस्टल आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पर है। ये गुरु कौन सा है, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज है, ये यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी अंदर चल रहे हैं और अंदर की चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका मेन एंट्री गेट, यहाँ से आपको एंटर करना होता है। ये छात्रावास का आप देखिए मेन गेट है और यहाँ पर सब आपका बोर्ड वगैरह भी लगा हुआ है। ये देखिए ये कैफेटेरिया एरिया है, यहाँ पर मतलब आप बैठ कर आराम से खा सक पी सकते हैं। और यहाँ पर किसी की नो एंट्री नहीं है, कोई भी आके खा पी सकता है। ऐसा नहीं कोई बाउंडेशन है कि बाहर वाले नहीं आ सकते, कोई भी आकर यहाँ पर खा पी सकता है। अच्छा, एक चीज़ हमको यहाँ का देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर जो है साफ़ सफाई हमेशा होते रहता है। यानी देखिए झाड़ू पोछा अभी लग गया और पूरा कॉरिडोर पे पोछा भी लग गया, एकदम साफ़ सुथरा देखेंगे आप लग रहा होगा। अंदर का आपको दिखाते हैं कि यहाँ कैसी चीज़ें हैं। दोस्तों देखिए ये है आपका रूम, ऐसा ही आपको रूम मिलेगा, आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का रूम, यानी जितने भी हॉस्टल्स आप देखेंगे, चाहे आप बाहर के हॉस्टल देखिए, चाहे अंदर का हॉस्टल देखिए, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल देखिए, लगभग सब हॉस्टल में सेम चीज़ मिलता है और सेम चीज़ ही आपको देखने को मिलता है। वो देखो मैं पीछे शीशा भी दिखूंगा, रुकिए मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ तो आपको आसानी हो जाएगा, वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये डबल सीटर हॉस्टल है, यानी दो लोग इसमें रहेंगे तो दो टू आपको यहाँ रैक दिया है कि दो रैक पे जो है आप अपना जो भी चीज़ें रखना चाहें, किताब कॉपी शू जो रखना चाहें रख सकते हैं। साथ में ऊपर भी रैक दिया है, यहाँ पूजा का भी सामान रख सकते हैं और किताब वगैरह रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में आप देखिएगा दो चेयर मिलता है, तो चेयर तो अपना अदलते बदलते आदमी रहता है, टूट गया तो बदल लो, नहीं टूटा तो फिर बदल लो। और ये देखिए दो बेड मिलता है, ठीक है, दो बेड है। आप चाहे इसको एक साथ सटा के चलिए और चाहे अलग अलग रखिए। और साथ में देखिए यहाँ पर एक खूबसूरत सा आपको शीशा मिल जाएगा जिसमें आप सज संवर सकते हैं। लड़के क्या ही सजेंगे, उनको क्रीम व्रीम कुछ पुतना रहता नहीं है। हाँ, लड़कियों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा अगर ये लड़कियों के हॉस्टल में शीशा होगा तो। यहाँ पर एक आपको शीशा भी मिल जाएगा और दो रैक मिलता है, देखिए एक रैक एक दो रैक, दोनों लोग अपना अपना सामान रख सकते हैं। साथ में यहाँ दो टेबल मिलता है, ये देखिए दो टेबल है, स्टडी टेबल, यहाँ पर आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ आप देखिएगा आपको दो कवर्ड भी मिल जाता है, ये देखिए इस दोनों कवर्ड में आप अपना सामान रख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए इसमें आप कपड़ा रख लीजिए, बैग रख लीजिए, सामान रख लीजिए, जो भी रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ये भी सेम वही चीज़ है, इसमें भी आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं जैसे इन्होंने रखा है। और नीचे में भी एक रैक है तो इसमें भी आप अपना कूड़ा कचरा डाल लीजिए, चाहे कुछ और रखना हो तो वो रख लीजिए, है ना। तो यही सब सारी चीज़ें हैं, देख लीजिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, आपको कूलर भी मिलता है। कूलर बहुत ही बढ़िया चीज़ है, यानी कि अगर गर्मी गर्मी के दिन में कूलर मिल गया, आ हा हा जन्नत भाई साहब। तो ये बड़ा बढ़िया चीज़ हमको लगा है देखकर कि यहाँ के जितने भी हॉस्टल हैं लगभग सब में सारे स्टूडेंट्स को जो है कूलर मिलता है, और यही चीज़ जो है आपका BHU में कूलर नहीं मिलता है, ठीक है। कुछ कुछ हॉस्टल में मिलता है और कुछ कुछ हॉस्टल में अलाव भी है लगाने का, लेकिन जो मेनली आर्ट्स के हॉस्टल्स हैं उस सब में कूलर फूलर कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ, चोरी चुप के कुछ लोग लगाए रहते हैं, वो बात अलग है। तो यही था, बस देख लिया आपने, दो बेड वगैरह देख लिया, कूलर देख लिया, शीशा देख लिया, दो रैक देख लिया, और यहाँ दो रख देख लिया, और पढ़ने के लिए मेज देख लिया, बस यही है। बाकी आगे एक छोटा सा बालकनी है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए एक छोटा सा बालकनी है। और एक चीज़ आपको बताते हैं, जैसे यहाँ के हॉस्टल्स में क्या है ना कि आप जैसे BHU का आप हॉस्टल देखिएगा, किसी यूनिवर्सिटी का, मैं जनरली BHU से कंपेरिजन कर देता हूँ क्योंकि मैं BHU में रहा हूँ। तो BHU के जितने हॉस्टल्स हैं उनके सामने आपको बड़े बड़े प्लेग्राउंड देखने को मिलेंगे,
और यहाँ के जितने हॉस्टल्स हैं, यहाँ के हॉस्टल के अंदर में ही यानी हॉस्टल कैंपस में प्लेग्राउंड देखने को मिलेंगे, पर बहुत बड़े नहीं है, नॉर्मल है, ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ का स्पेस की यहाँ पर कमी भी तो है। कहाँ BHU में अथा स्पेस है, उसकी वजह से वहाँ बड़े बड़े ग्राउंड है उसके सामने में, यहाँ पर थोड़ा कम है, लेकिन ये है कि हॉस्टल के अंदर ही आपको प्लेग्राउंड बड़े बड़े मिल जाएंगे। मैं आपको नीचे चल के वो भी चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका न्यूज़पेपर रीडिंग रूम, यानी कि यहाँ पर आप अपना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं। ये देखिए न्यूज़पेपर रूम, आराम से यहाँ बैठ जाइए और न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। देखिए कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ का वॉशरूम वगैरह हम जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वो बहुत मैंडेटरी चीज़ है और मुझे भी पसंद है, क्योंकि साफ सुथरा नहीं रहता है तो मुझे भाई गिन पीना आता है। हमारा रूम गंदा होगा चलेगा, पर मेरे को वॉशरूम साफ सुथरा चाहिए होता है। ठीक है, देखिए ये है वॉशरूम, चलिए अंदर चलते हैं और अंदर कहीं दिखाएंगे मतलब नॉर्मल दिखा देंगे। तो ये है आपका जेंट्स टॉयलेट। यहाँ पर सबसे अच्छा बात यह है कि यहाँ पर जो है आपको वॉशिंग मशीन मिल जाता है कपड़ा धोने के लिए, बाकी जगह आप देखिएगा तो नहीं मिलता है, मतलब BHU में भी वॉशिंग मशीन नहीं मिलता है, पर यहाँ वॉशिंग मशीन मिल जाता है तो ये बेहतर है। बाकी देखिए साफ़ सुथरा है ये भी। अब चाहे BHU हो चाहे DU हो, छात्र छात्र होते हैं, देखिए यहाँ पर भी एक नोटिस बोर्ड लगाए हुए हैं, छात्र प्लीज डू नॉट सीट फॉर अ लॉन्ग टाइम एज अदर्स आर वेटिंग टू सीट, कृपया ज़्यादा समय ना लगाएं और को भी हक नहीं दें। वाओ, तो यहाँ पर नोटिस लगा हुआ है। छात्र तो भाई छात्र होते हैं, चाहे DU के हो चाहे BHU के हो, तो हर जगह ऐसा नोटिस आपको चिपका हुआ मिल जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगाएं, आप भी अगर आते हैं तो जल्दी जल्दी करके निकल लें। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ हमको देखने को ये चीज़ मिला है कि यहाँ पर जो है लड़कियों को कोई आना जाना रुक टूक नहीं है, यानी बॉयज हॉस्टल में भी गर्ल्स आ सकती हैं, बस समय का पाबंद है, यानी सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक लड़कियाँ बॉयज हॉस्टल में आ सकती हैं, अपने दोस्तों से मिल सकती हैं। तो ये चीज़ आपको BHU में नहीं मिलेगा, वहाँ तो चुपे चुरी लाता है सब मतलब। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वाईफाई फैसिलिटी यहाँ पे भी मिल जाएगा, पर यहाँ का वाईफाई एकदम बेकार है, मतलब ना नेट चल रहा है ना कुछ चल रहा है एकदम, और एक लोग ही कनेक्ट कर सकता है, एकदम स्पीड भी नहीं है, क्योंकि BHU वाला जो वाईफाई है वो बहुत तगड़ा चलता है, बहुत तेज चलता है, उसमें 3 लोग कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये सब सारी ऊपर नीचे मतलब हर जगह कहीं ज़्यादा है कोई चीज़ तो कहीं कम है, तो ओवरऑल सब सही है। देखिए हर हॉस्टल में आपको ऐसे जिम मिल जाएगा, जिम रूम, जिम व्यायामशाला, यानी जो जिम वगैरह करना चाहेगा वो जिम वगैरह भी आराम से कर सकता है। देखिए हर हॉस्टल के पीछे में आपको कुछ ऐसा गार्डन मिल जाएगा देखने के लिए, जहां पर आप खेल कूद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेस होता है हॉस्टल के पीछे में ही। अच्छा, दिल्ली में एक चीज़ बड़ा बढ़िया है कि यहाँ पर हर चौराहा हर जगह आप देखिएगा इस तरह का जो है बाइक लगा रहेगा, इलेक्ट्रिक बाइक होता है हमको लगता है, तो ऐप से अनलॉक होता है, QR कोड स्कैन करके उसको फिर ले जाइए, पैसा भरिए, चलाइए, कहीं भी जाके चौराहा पर आराम से खड़ा कर दीजिए। गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो गुरु देखिए यही था आपका हॉस्टल जो मैंने आपको घुमा कर दिखा दिया, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं वो भी सारी आपको दिखा दिया, बस यही है कि यहाँ का हॉस्टल बहुत कम ही लोग को मिल पाता है, जिसका रैंकिंग हाई होता है उन्हीं को मिल पाता है, सबको नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ऐसा ही आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेगा, सारा चीज़ें आपको दिखाते ही रहूँगा। हाँ, ये हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, मतलब मान लीजिए जैसे दिल्ली हमारे लिए नया है, BHU हमारे लिए पुराना है, तो BHU में शेर बन जाता हूँ, यहाँ पर नहीं बन पाता हूँ, क्योंकि यहाँ कैसे बन जाऊँगा भाई, नया शहर है तो आदमी नहीं बन पाता ना, अपने क्षेत्र में शेर होता है, भाई देखो कुत्ता टहला रहा है। हाँ, कोई दिन रह लूँगा तो यहाँ ही बन जाऊँगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, बस ये कि माहौल पकड़ बना लूँगा, लेकिन अभी नया है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें करके मैं दिखा देता हूँ। बाकी यही सब चीज़ें थी, बाकी ऐसा ही आपको नया नया अपडेट दिखाते रहेंगे, कुछ बच्चों से बात करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर महादेव।